चलिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, उम्मीद ही बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एक किसान था जिसके पास 20 बीघे की जमीन थी और उसके खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई थी। एक दिन ऐसा इत्तफाक होता है कि उसकी सारी जमीन एक साथ खाली हो जाती है और उसे फसल बोने का चांस मिल जाता है। उसने सोचा कि क्यों ना इसमें एक फसल बो दी जाए और जिससे पैदावार अच्छी होगी तो हमारा आगे का खर्चा कुछ चलता रहेगा। उसने सोचा और वो तैयारी में लग गया फसल बोने की। उसने मेहनत की, खेत को जुतवाया, खेत को तैयार किया, गया बाहर से बीज लेके आया, खाद पास लेके आया, जो भी उसमें लगता था। उसने बहुत ही मेहनत की, सारी तैयारी कर ली और सारी तैयारी करने के बाद उसने बीज को बो दिया और वो इंतजार करने लगा कि कब ये बीज अंकुरित हो। फिर कुछ दिन समय बीतता गया और वो जो जितने भी बोए गए बीज थे वो धीरे धीरे करके अंकुरित होने लगे। जब बीज अंकुरित होने लगे तो किसान उसको देखता और खुश होता गया। बीज के रूप में जो फसल बोई गई थी वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक फसल का रूप लेने लगी। धीरे धीरे फिर वो किसान जिस भी चीज की उसमें कमी होती थी उसको लाता था, डालता था, समय समय पर पानी देता था, समय समय पर खाद देता था, फिलहाल अपनी उस फसल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देता था। और वो चाहता भी नहीं था कि हमारी फसल किसी से कमजोर हो। जो भी निकलता था उसके गांव पास पड़ोस वाले देखते थे और वो सब देखने के बाद यही कहते थे कि वाह क्या फसल आपने तैयार की है, कितनी अच्छी क्या मस्त किसानी की है आपने। वो भी सुनता उन लोगों की बातों पर अपनी फसल को देखकर खुश होता, उसे बहुत ही सुकून मिलता था उस फसल को देखकर। कुछ दिन समय बीतता गया और उसकी फसल बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी हो गई। फिर इसी बीच क्या होता है, इत्तफाक से उसे एक इनविटेशन आ जाता है जिसमें वो ना चाहकर भी चला जाता है। उसने पहले तो सोचा कि हम ना जाएं, लेकिन फिर उसने सोचा कि यार इनविटेशन आया है, अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, नाराज हो जाएंगे। बहुत ही सोचने के बाद वो राजी हुआ। राजी इसलिए हो गया क्योंकि फसल उसकी अच्छी थी और ठीक ठाक सब चल रहा था। तो उसके बाद फिर क्या था, इनविटेशन आया था तो वहां पर जाना था, तो वो चला गया। इनविटेशन 2 दिन का था लेकिन वहीं पर उसको कुछ टाइम लग गया, 2 दिन के बजाय वो उससे 4 दिन लग गए। दोस्तों ने कहा रुक जाओ, जितने भी उसके रिलेटिव थे उन्होंने भी कहा रुक जाओ, तो वो उनके चक्कर में आकर रुक गया वहीं पर। इसी बीच क्या था, यहाँ उसकी फसल, वो सोच रहा था कि हमारी फसल तो अच्छे से चल ही रही है, उसे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी तो है ही नहीं, क्योंकि वो चीज उसे पता थी। धीरे धीरे करके क्या था, उसके 4 दिन गुजर गए। 4 दिन गुजरने के बाद जब वो घर वापस आ गया बहुत ही ज्यादा खुश था कि हमारी फसल तो वैसे ही चलती होगी, चल रही होगी और वैसे ही अब तो और बड़ी हो गई होगी, उसे हम 4 दिन के बाद देखने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित था, बहुत ही ज्यादा खुश था। क्या होता है कि वो खेत के पास जैसे ही पहुंचता है और उसे खेत देखते ही आंख में उसकी आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी सारी फसल जो थी वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी, सूख रही थी फसल, पानी की वजह से सूख रही थी, उसमें खाद की कमी हो गई थी, फिलहाल उसकी फसल जो थी वो धीरे धीरे सूख रही थी। यह देखकर उसका हृदय जो था वो एकदम पिघल गया, बहुत ही ज्यादा वो उसको दुख हुआ। उसने सोचा कि यार काश मैं नहीं गया होता। तो यह तो थी एक कहानी, अब इसका सार क्या है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर किसी भी चीज की हम तैयारी कर रहे होते हैं उसमें जितना हो सकता है हम उसमें पूरी अपना जोर लगा देते हैं, लेकिन वहीं उसी बीच हमारा मन हट जाता है कि यार अब हमने तो बहुत ही मेहनत कर ली है। ऐसा करते हैं यार तैयारी तो चलती रहेगी, 4 दिनों के लिए हम रेस्ट ले लेते हैं या 2 दिनों का रेस्ट ले लेते हैं। तो उसी बीच उनके सफलता पर पहुंचने की जो अंतिम दरार थी वो उसी बीच नीचे हो जाती है, क्योंकि उन्होंने 4 दिन का रेस्ट ले लिया है। जब उन्होंने 4 दिन का रेस्ट लिया वैसे वो तुरंत ही पीछे हो गए। अब जैसे ही तुरंत पीछे हुए उसके कंपटीटर्स आगे निकल गए, उनका सिलेक्शन हो गया, वो हो गए और ये जो 4 दिन के लिए रेस्ट ले लिए थे ना ये रह गए। तो इस कहानी का सार यही है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर हमारा मन 4 दिन के लिए आराम करने को कहता है तो ये जान लो कि बीज से फसल बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हमें कभी भी रुकना नहीं है जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त हो जाए, जब तक हमारा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। यूं ही अपनी
मेहनत को जारी रखना है और अपने सपनों को साकार तो करना ही है।